अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 है और उसके 3 पार्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट करता है उसको इकोसिस्टम को ह्यूमन का क्या असर होती है, तो इसमें है ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। अब ओवर पॉपुलेशन क्या है? ओवर पॉपुलेशन है आबादी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, ओवर हो जाना। तो इसकी वजूहत पर उठा रहे हैं कि जैसे ही वक्त गुजरता गया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आज से 25 साल पहले के 250 वो ईयर पहले की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल का जब इंकलाब आया, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो थी वो तकरीबन 600 मिलियन थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री और डेवलप होती गई, ठीक है, लोगों के लिए सहूलियात या फैसिलिटीज बढ़ती गई तो आबादी और बढ़ती गई, यानी 10 टाइम इंक्रीज कर गई, यानी 600 मिलियन से वो 6 बिलियन और अप टू 2025 तक ये तकरीबन 8 बिलियन हो चुकी है। ये उसने एक ग्रोथ रेट आपको बताया हुआ है कि किस परसेंटेज के हिसाब से जो है वो आबादी बढ़ी है। 1951 से लेकर 1980 तक कितनी आबादी हुई और फिर या आज 2010 तक कितनी आबादी है, अब उसके बाद रिसर्च होगी बार उसका बुक में जो है वो नहीं शो किया गया, तो ये उसने शो कर दिया कि 2025 तक 8 बिलियन आबादी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी इतने तक पहुंच जाएगी। अब उसकी वो रीज़न बताता है कि ये ओवर पॉपुलेशन क्यों हुई, इसकी अपनी आबादी रेट एकदम कैसे बढ़ा, वो बता रहा है उसकी वजह ये कि पहले की नस्बत, ठीक है, कि आज जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी शर्मवार जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से आबादी में आबादी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो उसका रिजल्ट गलत भी हो जाएगा, क्योंकि हो रहा है पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है। नौ फिर का ये लास्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन। और कहते हैं इसकी वजह ये है अर्बनाइजेशन से शहरों की तरफ शहरी जिंदगी, तो इसकी रीज़न क्या है कि अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा होती जा रही है, यानी शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं और रूरल एरिया जो है वो कम होते हैं। तो उसकी वो रीज़न बताते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न ये हुए कि लोग जो है वो बेहतरीन सहूलियात के लिए फैसिलिटीज के लिए वो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से रूरल एरिया से अर्बन एरिया से, यानी उनकी शिफ्टिंग जो है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा हो गई, ठीक है, कहाँ से रूरल देहाती इलाकों से। तो उसकी वजह से बताता है कि शहरों में क्योंकि आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन वाला हायर एजुकेशन, ठीक है, और आप शहरी लोगों का जिंदगी जो हमारे जिंदगी है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होता है वो ज़रा हायर होता है, ठीक है, उसको देखते हुए लोग जो है वो उनके गाँव की जिंदगी ज़्यादा होती है, तो लोग जो है वो एक शहरी जिंदगी में अट्रैक्शन महसूस करते हैं और वहाँ से माइग्रेट करके वो रूरल एरिया से माइग्रेट करके वो अर्बन एरियाज में आते हैं, जिसका जिससे उसकी और आबादी में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ठीक है, और हम उसको कंसिडर करते हैं ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, उन सहूलियात के से पॉपुलेशन ओवर हो जाती है। जब पॉपुलेशन ओवर हो जाती है तो एरिया कम हो जाती है, यानी गुंजान आबाद हो जाती है, आबादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीपल की नंबर में भी इजाफा हो जाता है। जब ज़्यादा आबादी बढ़ती है तो बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिससे डिजीज का रेट बढ़ जाता है, स्कूल हॉस्पिटल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ये कम हो जाती हैं और उसका नतीजा जो होता है लोग अपने सर्वाइवल के लिए फिर गलत रास्ते अपनाते हैं जिन्हें क्रिमिनल एक्टिविटी। इसके अलावा उसने सजेशन दिया है, सजेशन ये दिया कि अगर आप प्लान का चेंज मनसूबा करके मनसूबाबंदी करके अगर आप अपने अर्बन एरियाज को ग्रो करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका असर एक अच्छा हो सकता है, मसलन 3 ग्रीन बेल्ट अपने
उधरों के गिर्द बनाए जिससे पोल्यूशन में कमी हो सकती है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एरिया सल्फाइड आउट ना करें तो आप उस जोनिंग कर सकते हैं, यानी आप एरिया को एक प्लान के जरिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे बहुत सी अगर आबादी बढ़ेगी तो यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, तो आप अगर इंडिविजुअल एक फर्द अगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा तो पोल्यूशन में इजाफा होगा। उसकी बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी एक ही बस एक ही गाड़ी अगर हम ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट, तो उससे भी पोल्यूशन में कमी की जा सकती है। तो अगर ये कुछ थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाए हम अर्बनाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं।